गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या GSTR 9 का जो टेबल 8A पॉपुलेट किया जा रहा है और उसका जो डिटेल्स एक्सेल फाइल में इनवॉइस वाइज दिया गया है, उसमें जो अमाउंट आ रहा है, जो इनवॉइसेस आ रहा है, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ही मिलेगा? इसके अलावा कोई ITC क्लेम नहीं कर सकते? सर क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा टेबल है, डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल्स जो है वो दिखाया जाएगा। इसमें बेसिकली कौन सा फिगर आ रहा है? इसमें वो फिगर आता है जो कि आपका GSTR 9 और उसका जो टेबल 8A है, जिसमें ऑटोमेटिक डेटा 2A से रिफ्लेक्ट होता है, उसका ब्रेकअप रहेगा। यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने एक सवाल ये उठाया है कि ITC अवेलेबल, यहाँ पे जो दिया गया है ITC अवेलेबल, और यहाँ पे यस एंड नो दो ऑप्शंस कई केसेस में आ रहे हैं। जहां पर यस आ रहा है वहां पे तो ITC अवेलेबल है, लेकिन जहां पर नो लिखा गया है, क्या उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? अब नो होने के कई कारण हो सकते हैं जो कि रीजंस फॉर नॉन अकाउंटिंग में दिए जाते हैं। अब यहां पर समझना आपको ये जरूरी है कि टेबल 8 क्या इससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना या रिवर्स करने की जरूरत है, या फिर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो टेबल 8 से लैप्स कर जाएगा अगर आपने क्लेम नहीं किया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स भी इशू करा है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू करा है, और गवर्नमेंट क्या कहती है वो देखिए। ये हमारे पास है नोटिफिकेशन नंबर 56। ये कहता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, जिसके लिए एनुअल रिटर्न हम लोगों को भरनी है 30 सितंबर 2020 तक, और अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको GSTR 4 31 अगस्त 2020 तक फाइल करनी है, और इन दोनों ही रिटर्न्स के लिए अच्छी तरीके से फाइलिंग हो सके इसीलिए GST प्लेटफॉर्म ने 23 अगस्त और 30 अगस्त 2020 का, जो हमारा ये दो कमिंग संडे है, उसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एज वेल एज रेगुलर टैक्स पेयर, जिसमें 23 अगस्त 2020 को GSTR 4, GSTR 9A, CMP 08 यानी कि कॉम्पोजिशन के लिए एनुअल रिटर्न जो होगा उसके बारे में, और 30 अगस्त को 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, और साथ ही साथ टेबल 8A का क्या एनालिसिस है वो आपको बताया जाएगा। इसमें आप परचेज से रिलेटेड, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, 17-18 का एडजस्टमेंट 18-19 में कैसे होना है, इन सारी चीजों के बारे में जान पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। सीट्स अवेलेबल लिमिटेड रहती हैं, सीट्स फुल होने के बाद जगह नहीं मिल पाएगी। अब देखिए जो इनका नोटिफिकेशन है वो कहता है इट मे बी नोटेड That form GSTR 2A generated as on 1st November 2019 shall be auto-populated in this table. यानी कि जो टेबल 8A है उसके अंदर जो डेटा आएगा वो 1st November 2019 तक, जब आपका सप्लायर GSTR 1 फाइल कर चुका होगा उस दिन तक का दिखेगा। For financial year 17-18 and 18-19, the registered person shall have an option to upload the details for the entries in table 8A to table 8D, यानी कि 17-18 और 18-19 के लिए ये पूरा का पूरा टेबल ही ऑप्शनल कर दिया गया। अगर ये पूरा टेबल ऑप्शनल किया गया है तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है या नहीं, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी से कोई लिंक नहीं हो सकता। और यहां पे बताया गया है कि इस पूरे कंप्यूटेशन को, यानी कि टेबल 8A, टेबल 8B, टेबल 8C एंड टेबल 8D का जो कंप्यूटेशन है वो आप एक PDF फॉर्मेट में अपनी GSTR 9C यानी कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है एनुअल रिटर्न के साथ साथ, उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ आप अपना सबमिशन दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या इनवॉइसेस 2A में ऑनलाइन दिख रहा है, उसका कितना पोर्शन आपने क्लेम किया है 17-18 का 18-19 में, या फिर 18-19 का 19-20 में, और अकॉर्डिंगली डिफरेंसेस जो हैं
वो बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज, विदाउट सीए सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सीए सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी काम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है, आईटीसी अवेलेबल, यस का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि टेबल 8A में जो डेटा ऑटो पॉपुलेटेड है, उस डेटा के अंदर जो अमाउंट आ रहा है, उस अमाउंट में ये वाला इनवॉइस अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए ये अमाउंट दिया गया है। आईटीसी अवेलेबल का मतलब आपको इसी इनवॉइस का आईटीसी मिलेगा, अगर यहाँ पे नो लिखा रहेगा तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर ये लिखा गया हो नो, और उसका वाकई में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं भी मिलेगा। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है कि किस किस केस में आईटीसी वहां पर नो रहेगा और रीजन फॉर नॉन अकाउंटिंग क्या रहेगा। यहां पर आप देखेंगे तो रिवर्स चार्ज डॉक्यूमेंट, पीओएस लाइज इन सप्लायर्स स्टेट, ये जो एक कंडीशन है इसको अच्छी तरीके से समझना है। लेट सपोज यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नो है और यहाँ पे पीओएस लाइज इन द सप्लायर्स स्टेट दिखाया गया। लेट सपोज आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है, आप गए बैंगलोर और वहां पे किसी होटल के अंदर स्टे करते हैं और आप अपना जीएसटी का बिल लेते हैं, तो आपको उस जगह पे ये चेक करना पड़ेगा कि जब आपको होटल वाला बिल देगा तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी का देगा ना कि आईजीएसटी का। तो इस सिचुएशन में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको काम करना होगा, हर एक इनवॉइस को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कंप्यूटेशन है वो बताया जाएगा। साथ ही साथ आज इवनिंग में एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने से पहले आपको अपने सप्लायर एंड पे जाकर के सारी चीजें चेक करनी होंगी। क्यों करनी होंगी, आज वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है, साथ में जो एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कीजिएगा, तभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी। तो ये एक बड़ा सवाल जो काफी लोग पूछ रहे थे कि GSTR 9 का जो टेबल 8A डेटा आ रहा है उसके अंदर जो हम लोगों का आईटीसी अवेलेबल में यस आ रहा है, क्या सिर्फ उसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले सकते? तो ऐसा मेरा मानना है कि नहीं होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड नोटिफिकेशन नंबर 56। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि टेबल 8A का और उसकी डिटेल्स का देना क्या पर्पस सॉल्व करेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।